अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से बात करें, डीडीसी इलेक्शन का फोर्थ फेज आज शुरू हो चुका है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी इस समय हम जम्मू के बेन बजालता जम्मू का जो स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, अभी हम वहां पर मौजूद हैं। आप यहां पर लंबी लंबी कतारों में लोगों को देख सकते हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरह से फॉलो की जा रही है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कि सर्कल्स बनाए गए हैं जो कोविड की सारी SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए, और लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं यहाँ पर अपने अपने सर्कल के, सोशल डिस्टेंसिंग के पूरी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। उसको देखते हुए लोग भी यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। आप साफ तौर पर यहाँ पे देखेंगे एक साइड पे मेल है और दूसरी साइड पे फीमेल है जो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, जब DDC इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो कई दफ़ा ये भी बात कही गई थी कि इसका बायकॉट होगा, पर अभी ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बहुत से लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें DDC इलेक्शन की तो बहुत छोटे चुनाव हैं जिसमें लोकल इश्यूज़ पर बात की जाएगी। जिस तरह से लोगों रोड्स हो गए, उनकी वाटर फैसिलिटीज़, बिजली फैसिलिटीज़ पे, तो फिर भी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर वोट डाले हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद सादिक जी। सर, आप वोट डाल चुके हैं या अभी आपको वोट कास्ट करना है? जी अभी आप वोट डालने आए। सर, मैं आज जानना चाहूँगी आपके ब्लॉक से क्या क्या परेशानी है। हमें तो बहुत परेशानी है सर। जिस तरह से रोड की, पानी की। सर, ये जो रोड और पानी की फैसिलिटी होगी, बहुत ही बेसिक फैसिलिटी है, ये हर किसी को ज़रूरत होती है। पर अगर हम बात करें तो इतनी, ये जो जिस तरह से DDC इलेक्शन इस लोकल मुद्दों पे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार कोई सुनवाई होगी जो आप चुना जाएगा आपकी तरफ से नुमाइंदा? ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो किस तरह का आपको लग रहा है आज आप वोट डालने हैं? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, जब डालेंगे फिर देखेंगे। चलिए, साफ तौर पर लोगों की जिस तरह से हमने कहीं भी बातचीत की, हर एक का बिजली, वाटर, यही रोड कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज़ हैं। तो चलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है। चलिए, साफ तौर पर हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे जिस तरह हम पर यहाँ पर औरतें एक तरफ वोट डाल रही हैं और एक तरफ पर यहाँ पर मेल हैं। तो हर एक को यही आस और उम्मीद है कि जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड की बात कर लें, कि वो पूरी की जाएंगी। तो लोग, अगर हम अभी बात करेंगे तो अभी 12 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपको लोग देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोग अपने अपने घरों से बाहर आए हैं। जिस तरह मौसम की बात करें तो सुबह जो था वो थोड़ा ठंडा मौसम था, इसलिए कम थे, तो अभी थोड़ी धूप के साथ ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर देखने को मिल रहे हैं। सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी दिखाना चाहेंगे, पूरी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। यहाँ पर जो तैनात हैं हमारे जवान, वो पूरी तरह से यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी सामने ना आए। वो अपनी ड्यूटी को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से निभा रहे हैं। अगर हम आपको एक विजुअल्स गेट का दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर भी सिक्योरिटी है। कुछ गेट के बाहर जो आपको दिख रहे हैं और कुछ जो गेट के अंदर दिख रहे हैं, पूरी तरह से हर एक चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। चलिए, साफ तौर पर जिस तरह से अभी हम मेन बजालता में मौजूद है, बेन बजालता जम्मू का जो गौर लोअर स्कूल है यहाँ पर गवर्नमेंट का, हम उसमें मौजूद थे। यहाँ पर जो लोग आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, आप देखेंगे भारी मात्रा में आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे। कुछ लोग मेरे इस तरफ है और कुछ लोग मेरे उस तरफ है। आप विजुअल्स में देख सकेंगे कि भारी मात्रा में यहाँ पर लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए आए हैं। अगर हम बात करें तो बड़ी ही छोटी सी चीज़ें हैं, जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी, पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, उसी चीज़ के लिए लोग आज यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और लोग उम्मीद करते हैं कि जो उनका चुना हुआ नुमाइंदा है वो इस बार उनसे झूठे वादे नहीं करेगा। जिस तरह से वो ये सोचकर, उम्मीद करके लोगों से वोट डाल रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो उनका नुमाइंदा है वो उनकी जो चीज़ें हैं वो उसको फुलफ़िल करेगा, तो लोग इसी आशा में वोट डाल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे DDC चुनावों की, जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बायकॉट कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर हम SOPs की बात करें, COVID-19 के प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो वो भी यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। सर्कल्स बनाए गए हैं, लोग उसमें प्रॉपर वे में खड़े हैं, स्कैनिंग हो रही है तो लोग अंदर जा रहे हैं। और जिस सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी भी पूरी की जा रही है। तो चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी सर, हम वोट डालने आए, हम सोचते हैं कि वोट डाल के तरक्की मिलेगी हमें।
सर जिस तरह डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो पहली बार डीडीसी इलेक्शन हो करते इतने बजालता च भी जियां पूरे जम्मू कश्मीर की गल करिए पहली बार इलेक्शन हो करते तो तुम्हें कड़ी प्रॉब्लम है अस बिजली पानी हर चीज़ की प्रॉब्लम है सोचने अपना बंदा बन जा अस अपने समस्या की इंदे को जागे हल कराई जागे क्या लगा तुम्हें कि तुम वोट पागे तो इस बार कोई मसले हल होगे होंगे जरूर मतलब उम्मीद ऊपर दुनिया कायम है तो तुहे भी कायम बस मेरी तरह की थी है उम्मीद पर ही कायम है बस अच्छा तो के मतलब के आवाम की मैसेज देना चाहगे जियां तुहे वोट पाना आए दे दूए बंदे की ये मसला है ना अपने बंदे की कैंडिडेट की खड़ा करो जिस तरह से उम्मीद पर दुनिया कायम है वही बात हुई कि उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी हल होंगी जिस तरह से आज के इलेक्शन की बात करें 249 कैंडिडेट्स उतरे हैं 34 ब्लॉक्स की बात करें आज वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं बात करें उम्मीद की तो उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द यहां की जो परेशानियां हैं वो सॉल्व की जाएंगी इस डीडीसी इलेक्शन के हवाले से तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।